Hi friends, welcome back. Sudhanshu Trivedi speech in Parliament. राम पर भी चर्चा, मोदी ने संसद में सुधांशु को उतार दिया। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखा, ये बस ऐसे ही करते हैं। सुनिए, आप बोले महोदय, प्रधानमंत्री भी कौन होगा जो पूरे देश का जनादेश लेकर आया होगा और दूसरी बार भी लेकर आया होगा, जो अपने घोषणा पत्र में ये लिख के लाया होगा कि हम राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, हम निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, यानी 140 करोड़ लोगों के जनादेश के साथ वो तारीख आने वाली थी जिस तारीख का इंतजार था। और महोदय, सिर्फ तारीख इतनी नहीं थी मान्यवर, अगर शास्त्रीय ढंग से प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो 11 दिन का उपवास रख के तपस्या भी करनी थी। तो ऐसा भी प्रधानमंत्री आने वाला था जो संकल्प लेकर 11 दिन की तपस्या करे। और मैं महोदय एक और बात कहना चाहता हूं, 11 दिन नारियल का पानी पी के हम में से कितने लोग तपस्या कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते महोदय, और ये भी नहीं अपनी मर्जी से, एक या दो बार एक दिन में। ऐसे रहता हो उसी के तपस्या का वो अभ्यास होगा। और मैं बताना चाहता हूँ, स्वामी गोविंद गिरी जी जो कोषाध्यक्ष है न्यास के, उन्होंने जब उपवास तुड़वाया तो उन्होंने कहा मैं तार्किक व्यक्ति हूँ, मेरे मन में संदेह था। तो जब इनकी माताजी जीवित थी तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा 40 वर्षों से अभ्यास है ये उपवास रखने का, इसलिए 11 दिन शासकीय कार्य रखते हुए भी वो उपवास कर पाए। ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा थी तारीख को। और फिर दक्षिण में जाकर, चाहे नासिक हो और फिर चाहे गुरुयूर का मंदिर हो अथवा रामेश्वरम में खड़े होकर जब प्रधानमंत्री जी 22 कुओं के जल से स्नान कर रहे थे, हमने देखा था, के संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये संदेश था दूर दक्षिण सिरे पर खड़े होकर कि देखिए ये राम है जो घट घट में व्याप्त है पूरे उत्तर से दक्षिण तक। और उस तपस्या से प्रकट होने के बाद उस प्रधानमंत्री की दरकार थी तारीख को, क्योंकि राम का काज कौन कर सकता है। गोस्वामी जी लिख गए हनुमान चालीसा में, सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा। अगर राम तपस्वी राजा थे तो तपस्वी प्रधानमंत्री भी होना चाहिए था वो करने के लिए। और इस तारीख का इंतजार था, तारीख का ये राज समझने के लिए हम आपको समझाएंगे भी तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण बात यह थी कि सब कुछ शांति और सौहार्द से निपट गया। जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था तो कितने प्रकार की चीजें होती थी, इसके लिए हमें निश्चित रूप से सरकार प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। पूरे देश में जिस प्रकार का सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा, और महोदय 90-92 में भारत ही नहीं अगल बगल भी बहुत कुछ हुआ था, आपकी अगल बगल में भी शांति बनी रही, ये तपस्वी राजा का प्रताप था। और इतना ही नहीं महोदय, अबू धाबी में भी मंदिर बनने जा रहा है, मुझे लगता है भारत के लिए अमृत काल में सांस्कृतिक गौरव का इससे बेहतर काल नहीं आ सकता था। अबू धाबी में मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं महोदय, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं था, ये भारत के जय और विजय का विषय था, और उससे भी बढ़कर ये मूल्यों का विषय था। कौन से मूल्य थे? एक मूल्य वो जिसमें भगवान राम उस मूल्य के प्रतीक बनते हैं जिसमें चार भाई है, पिता के एक वचन पर वन चले जाना, दूसरे भाई का जंगल जाना, तीसरे भाई का खड़ाऊ रखकर शासन करना, एक ये परंपरा थी। और दूसरी परंपरा वो जिस बाबरी परंपरा में भी चार भाई थे, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब, एक ने तीन को कत्ल कर दिया, बुढ़ापे में बाप को जेल में डाल दिया, और इतने पे भी संतोष नहीं हुआ बल्कि सर काट कर थाली में रख के जेल में बंद बाप के पास भेजा। आप किसी मत को मानने वाले हो, अपने घर में क्या देखना चाहते हैं, भाई की खड़ाऊ या भाई का सर? बोलो। इन दो मूल्यों के अंतर का ये प्रतीक था, इसका हिंदू मुस्लिम से कोई नेता नहीं था। और मैं अपने विरोधियों को बताना चाहता हूं मान्यवर, उर्दू में भी एक रामायण लिखी गई है, चकबस्त रामायण, और उसमें इसी मूल्य को अप्रिशिएट किया गया है कि जब भगवान राम राजा दशरथ से अनुमति लेकर जाते हैं तो उर्दू के प्रसिद्ध शायर चकबस्त ने, और वो लखनऊ के रहने वाले थे, उन्होंने लिखा है, रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, और राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। यानी उनको तो दिखा कि राहे वफा की कौन सी मंजिलें हैं जो अव्वल हो रही हैं। मगर क्या बताऊं महोदय, एक फैक्ट बताना चाहता हूं, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री रामलला प्रकट हुए तो सबसे पहले वो रोशनी किसने देखी थी? वो यूपी गवर्नमेंट का एक सिपाही था जिसका नाम था अब्दुल बरकत।
उसने बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि रात में उसको दिव्य रोशनी दिखी और जब दिव्य रोशनी हटी तो वहां पर श्री रामलला विराजमान थे। अब उसने खुद बोला 1949 में दिख गई, मगर कुछ सियासत वालों को रोशनी 2024 में नहीं दिख रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबरी पक्ष के पैरोकार थे इकबाल अंसारी, और यह उदारता देखिए कि सबको बुलाया गया, विरोध करने वालों को बुलाया गया, ट्रस्ट के द्वारा गोली चलाने वालों को बुलाया गया और इकबाल अंसारी को ही बुलाया गया, और इकबाल अंसारी प्राण प्रतिष्ठा में आ गए। उनका इकबाल तो बुलंद हो गया मगर इन लोगों का इकबाल जमींदोज हो गया। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, उसका एक कारण है, ऑन द लाइटर नोट, इसको कोई पर्सनल ना ले महोदय, ये कहा जाता है कि हमारे यहां राम का तत्व या ईश्वर का तत्व कौन नहीं समझ पाता है, जो कामी क्रोधी लोभी खलकामी हो, राजनीति को नहीं समझ पाता जो सेकुलर और वामी हो। अब मैं ये बताना चाहता हूं महोदय कि जो लोग कहते हैं भगवान राम ने अपने जीवन में ये मंदिर किस चीज का प्रतीक है, कई लोग एक आध कोई शब्द लेकर बगैर पढ़े हुए बगैर उस भाषा को जाने हुए अपनी बात कहने लगते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं भगवान राम ने कौन मेरा भक्त है इसका बाकायदा उदाहरण दिया। उन्होंने लिखा है, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इन 10 चीजों से मैं नहीं मिलता, मैं कैसे मिलता हूं, भक्ति से मिलता हूं। ये सारी 10 चीजें हो किसी के पास और भक्ति ना हो, तो उन्होंने कहा भगत हीन नर मोहे ऐसे, जल बिन बारिध लागे जैसे, अर्थात अगर ये सब कुछ हो, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, ये हो, भक्ति ना हो तो ऐसा जैसे बादल हो उसमें पानी ना हो। इसलिए भगवान ने इस बात का संदेश दिया। और मैं एक विषय और कहना चाहता हूं, जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो कहा जाता था साहब वैज्ञानिक प्रमाण दीजिए, मैं बस एक बिंदु विज्ञान का भी और बताना चाहता हूं, यह विशुद्ध विज्ञान है, क्योंकि अगर आपने रामचरितमानस के शुरुआती श्लोक पढ़े हो तो उसमें बहुत साफ लिखा सीताराम गुणगाम पुण्य अरण्य विहारिण्यो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो, अर्थात विशुद्ध विज्ञान महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। और विज्ञान क्या है, पूछा गया था कि भगवान हुए कब ये तो बताइए, यहां हुए कि नहीं ये बताइए। अब आप ये बताइए कि आज हम समय कहते हैं, उनका एग्जैक्ट टाइम लिखा है, जैसे आज हम टाइम कह रहे हैं दिल्ली में कुछ और है लंदन में कुछ और है, तो एक जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम बताया गया, पर अगर आपसे पूछा जाए टाइम का एब्सोल्यूट मेजरिंग पैरामीटर क्या है, विच इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन अर्थ मून सोलर सिस्टम एंड एनी पॉइंट इन द स्पेस, इट इज ओनली द रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लैनेट। और भगवान राम का वो एग्जैक्ट रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लैनेट जो आइंस्टीन का फोर्थ डायमेंशन कहा जा सकता है, वो लिखा है कि मेष राशि में सूर्य था, मकर राशि में मंगल था, तुला राशि में शनि था, मीन राशि में शुक्र था, और जब नासा ने अपने प्लेनेटोरियम कोड सॉफ्टवेयर में डाला तो 5114 बीसी की डेट निकल आई। इससे ज्यादा किसी को सबूत चाहिए, विज्ञान का वो सबूत मिला। और इतना ही नहीं, मैं बताना चाहता हूं जिन लोगों ने अगर पढ़ी हो तो भगवान राम के जन्म के समय लिखा है कि चैत्र मास के समय शरद ऋतु थी, अंगद बताते हैं कि अश्विनी मास यानी आज के अक्टूबर के समय वसंत ऋतु थी। और इतना ही नहीं, कहा गया जब किष्किंधा से भगवान निकलते हैं तो धूमकेतु टकराया था मूल नक्षत्र से, और जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी गणना की तो वो ठीक डबल हो जाता है, 14,000 साल पीछे आता है। इसका मतलब प्रमाण देखने हैं तो प्रमाण जमीन के नीचे से भी निकले, शाही फरमानों से भी निकले और आसमान से भी निकले, समस्त मर्यादाओं को पूर्ण करते हुए हमारे ये इस विषय के ऊपर आए। और मैं एक बात और कह दूं, कभी कहा जाता था महर्षि वाल्मीकि ने तो रामायण भगवान राम के पैदा होने से पहले लिख दी थी, अच्छा, और कहा जाता है भविष्य में जाके लिख दी, कहा जाता है गप है बकवास है कैसे हो सकता है। महाभारत कहा जाता है वेदव्यास ने भूतकाल में जाके लिखी वैशंपायन के समय, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं 1916 में आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने के बाद, अब टाइम ट्रेवल फॉरवर्ड टाइम ट्रेवल बैकवर्ड बकवास है क्या, नहीं पॉसिबल होता। अगर किसी ने साइंस नहीं पढ़ी है तो उसे समझना चाहिए, मगर मैं ये नहीं कहना चाहता हूं इसको कहकर, मैं कहना चाहता हूं हमारे ऋषि त्रिकालदर्शी थे और ये टाइम वाइम ट्रेवल तो बहुत छोटी बात थी जो अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है। और मैं एक विषय और कहना चाहता हूं, हम सब ने भगवान राम के मंदिर तो देखा, वहां पर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन सा, हनुमानगढ़ी का। आपने हनुमान जी के सैकड़ों हजारों मंदिर देखे होंगे इस देश में, लवकुश का मंदिर देखा है कभी, नहीं। हमारे यहां पुत्र का महत्व नहीं है, शिष्य का महत्व है, भक्त का महत्व है।
हमारे यहाँ बायोलॉजिकल सक्सेशन का महत्व नहीं है, स्पिरिचुअल सक्सेशन का महत्व है। इसीलिए द्रोणाचार्य के बेटे का स्थान ऊंचा नहीं है, शिष्य का स्थान ऊंचा है। इसीलिए हम हर जगह गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं, पिता पुत्र परंपरा नहीं होती। भगवान राम का चरित्र इस बात का उदाहरण देता है कि हर जगह आपको हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, वो भी राम से ज्यादा मिलेंगे। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ महोदय, एक बार एक डिबेट में वो कहने लगे कि भाई यू आर टॉकिंग अबाउट द राम टेम्पल, हाउ डज राम टेम्पल फिट्स इन द 21st सेंचुरी इमर्जिंग इंडिया एस्पायर्स टू बिकम ए टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड बिकम द इकोनॉमिक सुपर पावर विद द यंगेस्ट पॉपुलेशन, वेयर डज राम मंदिर फिट्स इन दैट। मैंने कहा सुनिए महोदय, हम 21वीं सदी में भारत को सिर्फ इकोनॉमिक इंटेलेक्चुअल या मिलिट्री सुपर पावर नहीं बनाना चाहते, हम वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते हैं। और जब वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते हैं तो इट शुड सिंबलाइज द सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज विच विल इंस्पायर द वर्ल्ड। और अगर सारे श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक कोई एक होगा तो वो भगवान राम का मंदिर होगा, जो विश्व के सबसे श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक होगा। कैसे? मैं आधुनिक जियोपॉलिटिक्स से बताना चाहता हूं। आज कोई एक देश किसी पर अटैक कर रहा है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, चाइना का ताइवान के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, इराक और उसका चला, क्या है डिप्लोमेसी में? नंबर वन एनेक्सेशन, दूसरे देश को मिला लो। दूसरा है सब्जुगेशन, वहां अपना डिप्यूटी अपॉइंट कर दो। और तीसरा है डोमिनेशन, उसके साथ संधि साइन कर लो। भगवान राम ने क्या लंका को जीतने के बाद एनेक्सेशन किया? नहीं। क्या वहां पर कोई अपना डिप्यूटी बैठाया यानी सब्जुगेशन किया? नहीं। कोई ट्रीटी साइन कराई, डोमिनेशन किया? नहीं। तो मैं कह सकता हूं आज के जियोपॉलिटिक्स वर्ल्ड में जब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है तो उसका प्रतीक वो राम मंदिर दिखेगा, जो पूरी दुनिया को बताएगा कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है बगैर एक दूसरे से लड़े हुए। इसलिए मैं कह सकता हूं 21वीं सदी का महान भारत बगैर राम मंदिर के संभव ही नहीं है। और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये एक नया इतिहास बना है और ये हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी की उस दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है जिसके लिए कहा जाता था अरे 370 कभी हटेगी नहीं, राम मंदिर कभी बनी नहीं सकता। मगर ये वो लोग कहते हैं जो फूलों के हार पहनते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी अंगारों के हार पहनते हैं, और जो अंगारों के हार पहनते हैं वो इतिहास को बदलने में निश्चित रूप से सफल होते हैं। इसलिए मैं अंत में ये कहना चाहता हूं, अपनी सरकार को बधाई देते हुए, श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट, हमने बहुत साफ कहा था हम मंदिर नहीं बनवा रहे, मंदिर न्यास बनवा रहा, हम सिर्फ मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। दूसरों ने कहा था कि हम वो बनवा रहे हैं, तो हम सिर्फ उनके लिए कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि अंगार हार उनका जिनकी सुन हाँक समय रुक जाता है, अंगार हार उनका जिनकी सुन हाँक समय रुक जाता है, आदेश इधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बोला। मैं तो कहती हूँ ये एक प्रोफेशनल स्पीच थी। हाँ, एंड बार बार टाइम भी देख रहे थे कि मैं क्रॉस ना करूं, दिस इज हाउ कंडक्ट होना चाहिए, इसी तरह से सबको बिहेव करना चाहिए, ऑपोजिशन कांग्रेस कुछ सीख रहे हैं। ऐसी प्रोफेशनल स्पीच आपने कभी कांग्रेस के किसी बंदे से सुनी है? तो ऐसे लगता है कि पागल लोग खड़े होके बोलने शुरू हो गए हैं, उनको तो देख के लगता है ये देश चला रहे थे हमारा। जो भी उन्होंने कॉन्टेक्स्ट किया, जो भी उसमें फैक्ट्स डाले, जो भी किया, इट वाज अ प्रोफेशनल स्पीच। ऐसे आप डिबेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। टाइम ट्रैवल अभी आया नहीं है, बट स्टिल आप डिबेट कर सकते हैं कि ठीक है फ्यूचर में आएगा, आएगा और पॉसिबल, किसी को पहले डाउट होगा पर आजकल देखकर तो लगता है कि नहीं, ऐसा कोई डाउट होने की बात ही नहीं है, ये सब होने वाला है। और इतना सुंदर बताया, और यही मैंने बात बहुत पहले एक वीडियो में बोली थी कि हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जिससे सबको सीखना चाहिए, खासकर श्री राम जी से मैंने बोला था। मैंने कहा उनको देखो, वो उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई, आपको रिलेशनशिप्स कैसी होनी चाहिए वो सिखाता है, फादर और सन की रिलेशनशिप ये सब मैंने बातें की थी, हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप्स, भाइयों की रिलेशनशिप, और कितना उन्होंने अच्छा बताया कि एक है श्री राम जिन्होंने अपने एक फादर के कहने पर सब कुछ की, फादर ने प्रॉमिस किया, वचन दिया हुआ है, वो भी मेरी सौतेली माँ को, तो भी नहीं, सब कुछ छोड़ के, राजाओं जो राजा बनने वाले थे छोड़ के चले गए। हाँ, और एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया उसका कि अपने चारों भाइयों को उसने मार के, और इतनी उसकी वो कितना घटिया इंसान था, हाँ उस अपने सर काट के भाई का, अपने फादर को जिसको जेल में बंद किया है उसको दिखा रहे, किस लिए? क्योंकि उसको वो राजपाट चाहिए, उसको वो महल चाहिए। तो भैया सोचो तो सही कि क्या बोल रहे हो, वहां पे श्री राम का मंदिर नहीं बनेगा, सब बनेगा, और वो देखिए मोदी जी को ही मिलेगा कि फ्यूचर में जाने के लिए आपको जो वैल्यूज चाहिए वो राम मंदिर से वैल्यूज आएंगे, ऐसे फिट होगा
हर जगह पर, बिना वैल्यूज के, बिना कैरेक्टर के आप कैसे लीड कर सकते हैं किसी को? आपको गुड कैरेक्टर चाहिए, गुड वैल्यूज चाहिए, वो मंदिर से आती हैं। और ये आपका ओरिजिनल कल्चर था बिल्कुल। और इन भारत को ही वर्ल्ड का लीडर बनना चाहिए, क्योंकि हमारी टीचिंग्स जो हमने सीखा हुआ है, हमारी प्रीचिंग्स वो इतनी सुंदर हैं कि सबका उद्धार करती है। आजकल क्या है, हर एक देश है, हर एक इंसान एक दूसरे को मार काट के ऊपर आना चाहता है, टॉप पे आना चाहते हैं। जो भी कंट्री आजकल कोशिश करते हैं कि मैं टॉप का बनूं, वो क्या कर रही है, दूसरों को दबा के, मार काट के, उस टाइप से चालें चल के कर रही है। एक भारत देश ऐसा है जो कहता है कि सबका सब सब साथ में ऊपर उठें, सब जगह पे, वर्ल्ड के हर जगह पे जो लोग रह रहे हैं उन सब के लिए उनकी लिविंग जो है, उनका रहन सहन ऊपर उठे। तो ये सब दुनिया की हर कंट्री को ऐसे ही सोचना चाहिए, बहुत ही सुंदर है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।